कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा निशुल्क बच्चों को बस्तर फाइट सर लोग को सभी भी पुलिस कर्मचारी सर लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हम लोग को रोज सुबह मैदान में लेके ट्रेनिंग देते हैं और हम लोग को 4 बजे से दोपहर में 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग को क्लास चलाते हैं तो बहुत पढ़ाते हैं सर लोग भी और बहुत सपोर्ट करते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं कि किस टाइप से चलना है और कैसे वो करना है टाइम मैनेजमेंट किस टाइप से करना है वो सब बहुत सिखाते हैं तो मैं सर लोग को धन्यवाद देना। नाम संजीव कुमार प्रधान है और मैं आमाबेड़ा क्षेत्र से आया हूँ। मेरा थाना क्षेत्र भी आमाबेड़ा ही पड़ता है और मैं यहाँ पर अंतागढ़ में बस्तर फाइटर की तैयारी के लिए आया हूँ और यहाँ पर हमें आमाबेड़ा क्षेत्र जैसे कोलीबेड़ा क्षेत्र यहाँ से अंदरूनी इलाकाओं से आए हैं जो बच्चे उनके लिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा बहुत ही बेहतरीन सुविधा हॉस्टल दिया गया है जिसमें लड़की एवं लड़कों का भी व्यवस्था किया गया है रहने का और यहाँ पर जो अंदरूनी इलाकों से बच्चों आए हैं उनके लिए एजुकेशन का भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर हमें टाइमिंग दिया गया है जैसे 5:30 बजे हम लोग तैयार हो जाते हैं मैदान वहाँ सबसे पहले हमको पीटी कराया जाता है और जिस लेवल का तैयारी करना है उस लेवल के अनुसार हमको सबसे पहले तैयार किया जा रहा है सभी बच्चों को और 3:30 को क्लास लगता है जिसमें बस्तर फाइटर का तैयारी भी कराया जा रहा है जैसे जीके हुआ और यूपीएससी एग्जाम जैसे कि एसआई का भर्ती होना है उस लेवल का सभी स्तर का पढ़ाई किया जा रहा है और यह पढ़ाई हमारे एसडीओपी सर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त सरों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पर कोचिंग दिया जा रहा है पढ़ाई के लेवल पर भी और हम बहुत खुश हैं कि हमको ऐसा अवसर मिला है अंतागढ़ क्षेत्र में क्योंकि पहली बार है जो हमको ऐसे क्षेत्र मिला है मतलब कहा जाए तो ऐसा सुविधा मिला है क्योंकि हम लोग बहुत ही अंदरूनी इलाके से आए हैं आमाबेड़ा क्षेत्र जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसके कारण हमारा आज तक विकास नहीं हो पाया था तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुविधा के साथ ट्रेनिंग दिया जा रहा है और यहाँ के अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है उनके द्वारा भोजन का भी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था किया गया है। मेरा नाम दुर्गुराम गावड़े मैं पत्रकार बेड़ा से हूँ पोस्ट ताड़ो की थाना ताड़ो। अभी बस्तर फाइटर का जो
कोचिंग निःशुल्क चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे युवा साथी यहाँ आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ पढ़ाई हो रही है इतिहास, भूगोल, गणित। इसमें ऐसे हमें सीख मिल रहा है और सुबह 4 बजे से उठकर अपना जो रेडीमेड होते हैं और सुबह 5 बजे तक, 5 बजे से हमारा वो चलता है, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उस लेवल के सिखाते हैं। दौड़ होता है और लंबी कूद, गोला फेंक, इस टाइप का सिखा रहे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार नागो ग्राम कोसरोंडा से ताड़ो की थाना के अंतर्गत आता है और मैं सबसे पहले अंतागढ़ पुलिस और पुलिस अधीक्षक को सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा, ये इवेंट करा रही है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि जो फोर्सेस हैं जितने भी, वो उसमें इस क्षेत्र के युवा अभी आगे आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था ना सुना जाता था, अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। इससे यह पता चलता है कि हमारा क्षेत्र अंतागढ़ ब्लॉक हो चाहे बस्तर जितने भी हो, अब बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पहले बार ये भर्ती के लिए जो इवेंट कराई जा रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि जो अंदरूनी गांव के जो लोग रहते हैं उन्हें वहाँ उस टाइप की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता जो यहाँ अवेलेबल हैं, जो गाँव में नहीं हो पाते, तो वो यहाँ आके सब कुछ अपना ट्रेनिंग जो फिजिकली तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी यहाँ कराई जाती है अच्छे टीचर्स के द्वारा। खुद हमारे ये अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी सर पढ़ा रहे हैं, हर दिन क्लासेस लेते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। यहाँ एक ही चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता कि ये आपको पुलिस में जाना है, यहाँ हर चीज़ के बारे में चर्चाएँ होती हैं और हर चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए यहाँ गाइडेंस मिलती है। मेरा नाम कुमारी डिकलेश्वरी समर्थ है, मैं ग्राम आमाबुड़ा से आई हूँ। मैं यहाँ बस्तर फाइटर्स का प्रशिक्षण लेने आई हूँ और अपने एरिया से जो है बहुत कम ही लोग बस्तर फाइटर्स या पुलिस ऐसे कुछ भी निकलता है उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि अंदर एरिया से पढ़ते हैं हम लोग। लड़के में से कम अभी तक 10 या 15 लोग ही गए होंगे, लड़की में से आज तक कोई नहीं गए। और यहाँ पर हम लोग सुबह 4 बजे से उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, फिर 5 बजे मैदान में जाते हैं, हल्के हल्के पैदों में दौड़ते हुए मैदान जाते हैं, उन्मुक्त मैदान में। वहाँ पर जो है दौड़ करते हैं, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी प्रक्रियाएं, साथ ही साथ योगा पीटी ये भी करवाया जाता है। उसके बाद वहाँ से आते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में आने के बाद अपना नाश्ता, फिर फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद जो है आराम करते हैं। 1:30 या 2 बजे के आसपास हम लोग खाना खाते हैं, फिर अपना स्टडी वगैरह किए रहते हैं, जो होमवर्क मिली रहता है उसमें से। फिर 3:30-4 बजे के आसपास अपना 4 बजे से 6 बजे तक क्लास लगता है, जिसमें मैथ्स, भूगोल, इतिहास और विज्ञान के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो है क्लास छूट जाता है, खाना वाना खाते हैं, अपना आराम करते हैं, जिसको जो करना कर लेते हैं, 10 बजे तक सो जाते हैं। धन्यवाद।